एक लपसी, तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवेरे सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चासकर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देकर बटन ना लगा, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो पथवारी मैया की जय। बोलो गणपति गणेश महाराज।